हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर फन लर्निंग। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस 2020 क्लास 12th साइंस सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, यानी 2020 का जो नया सिलेबस है उस हिसाब से देखेंगे। प्रैक्टिकल नंबर 14, यह है डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रैक्टिकल। न्यू सिलेबस के हिसाब से जो न्यू सिलेबस अभी भी चल रहा है वो, तो ये आपका प्रैक्टिकल नंबर 14 है डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आपका जर्नल का ये पेज है, जर्नल पेज नंबर 80 पे। ओके, तो अब हम देखते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन उसका, दिस वन एग्जांपल वन। वाटर एट 100 डिग्री कूल इन 10 मिनट टू 85 डिग्री सेल्सियस इन अ रूम टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 20 मिनट्स। लेट थीटा बी टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट टाइम टी। तो रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के हिसाब से डी अल्फा बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट डिग्री इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीरो थीटा माइनस 25, यानी डी थीटा बाई डी टी माइनस के थीटा माइनस 25, वेर के इज कॉन्स्टेंट एंड के इज ग्रेटर दैन जीरो। सो इस तरह का आपका ये मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। तो ऑन इंटीग्रेटिंग, हमें अगर इंटीग्रेट करना है ये, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट ये इंटीग्रेशन डी थीटा अपॉन थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन डी टी प्लस सी वन। ना इस तरह का हमें इंटीग्रेशन मिला। सी क्या है? कांस्टेंट है। ये इक्वेशन वन हमें कंसिडर करना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट सॉल्व किया हुआ आंसर है आपके जर्नल में। मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे कैसे स्टेप्स आए हैं। नाउ नेक्स्ट, ये कंसिडर किया इक्वेशन वन। नाउ गिवन दैट व्हेन टी ज़ीरो, जब इनिशियल टाइम ज़ीरो होगा, तो ये थीटा 100 है, तो 100 माइनस ये थीटा की वैल्यू डाल दी तो हमें मिलेगा लॉग 75 इक्वेशन वन। तो इस हिसाब से इक्वेशन वन हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, इस तरह का सी लॉग 75 है। लॉग 75 की यहाँ पुट किया हमने सी की वैल्यू एंड देन यू गेट द इक्वेशन लाइक दिस। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिला इक्वेशन टू। अल्सो व्हेन टी इज़ 10 मिनट के बाद 85 डिग्री हो गया, तो फ्रॉम टू वी गेट लाइक दिस। वापस थीटा 85 डिग्री डाल दीजिए, टी आया 10, तो उस हिसाब से सिंप्लीफाई करना है। देन ये जो इक्वेशन टू है, इक्वेशन टू हो जाएगा ऐसे। इक्वेशन टू में अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो दिस इज़ योर इक्वेशन थ्री, दिस इज़ लाइक दिस। एंड देन वी हैव टू फाइंड व्हेन टी इज़ इक्वल टू 20, सो पुट इन थ्री, सब पुट कीजिए इन थ्री व्हेन टाइम इज 20 मिनट्स, देन दिस वन यू गेट द सिंप्लीफिकेशन। और इस तरह आपको सिंप्लीफिकेशन मिलेगा, सॉरी यहाँ पे इस तरह आपको सिंप्लीफिकेशन मिलेगा। तो ऐसे सिंप्लीफाई करने के बाद आपको जो थीटा की और 25 की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो लॉग 4/5 का स्क्वायर, यानी अगेन इसका आंसर आएगा इस तरह से 4/5 स्क्वायर। तो थीटा माइनस 25 आया, 4/5 × 4/5 × 75, तो थीटा माइनस 25 अगेन ये 5/5 ये होके सिर्फ ऊपर जो बचता है 4 × 4 × 3 यानी 48, यानी थीटा आया 73। तो देयरफॉर द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 20 मिनट्स विल बी 73 डिग्री सेल्सियस, इस तरह सिंप्लीफाई करने के बाद आया। अब क्वेश्चन टू, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीजेज एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट टाइम। If the population increases from 40,000 to 60,000 in 40 years, what will be the population of the town in another 20 years? Given under root 1.5, 1.2247, ये natural square root की value दी हुई है जो आपके log table में भी आपको मिल जाएगा, log book में। Now इस तरह population दिया हुआ है, time दिया हुआ है। Given that population of town increases at a rate proportional to the population at time t, now dp by dt क्या है? proportional to p, यानी dp by dt आया kp, where k is constant। तो इस तरह से हमें मिला ये टाइप का differential equation। और integrating both side, इस तरह हमने integration किया,
और इंटीग्रेट करने के बाद लॉग पी इज इक्वल टू के टी प्लस सी, सी इज कॉन्स्टेंट, तो ये आपका होगा इक्वेशन वन. नाउ गिवन दैट व्हेन टी ज़ीरो, मतलब इनिशियली पॉपुलेशन है 40,000, टाइम ज़ीरो होगा तब, तो तब पी की जगह 40,000 है, टाइम की जगह ज़ीरो है, तो आपको सी की वैल्यू मिलेगी लॉग 40,000. ओके, नाउ इक्वेशन वन बिकम्स लाइक दिस. इक्वेशन वन में सब वैल्यूज पुट करने, सी की वैल्यू पुट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से मिलता है और आंसर मिलेगा के टी. देन इस तरह इक्वेट करने के बाद आपको मिलेगा इक्वेशन टू. ऑल्सो व्हेन टी इज़ 40 तो पी 60,000 है, सो फ्रॉम टू, तो फ्रॉम टू यहाँ पे टी और पी की वैल्यू हम जब पुट करेंगे तो इस तरह से हमें मिलेगा. और इक्वेशन टू जो होगा वो इस तरह से उसको कन्वर्ट हो जाएगा. सो पॉपुलेशन इन अनदर 20 ईयर्स मीन्स व्हेन टी इज़ 40 प्लस 20 इज इक्वल टू 60 ईयर्स फ्रॉम 3, मतलब 40 ईयर्स के बाद का 20 ईयर्स लिया है, तो उस तरह से ये 60 ईयर्स का कैलकुलेशन है. एंड देन सिंप्लीफिकेशन है इस तरह. एंड उसके बाद यहाँ पे ये सिंप्लीफाई किया है, लॉग पी बाय 40,000 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3/2, यानी आया ऊपर फ्रैक्शन में उनका ये एक्सपोनेंशियल है, तो पी अपॉन 40,000 विच इज़ इक्वल टू 3/2 रेज टू 3/2, और ये 40,000 है, ये 3/2 यानी 1.5 होता है, जो कि अंडर रूट करके रेज टू 3, यानी हाफ का लिया है और बाद में रेज टू 3 किया है, तो अंडर रूट 1.5 की हमें वैल्यू दी हुई है ऊपर जो क्वेश्चन है ऊपर, तो पहले ये सिंप्लीफाई कर लीजिए और उसके बाद अंडर रूट 5 एक सेपरेटली बचता है ना, उसको हम वैल्यू जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो यूज़ करेंगे. एंड देन मल्टीप्लाई, तो व्हेन यू मल्टीप्लाई यू गेट लाइक दिस 73,482. शेयर मल्टीप्लिकेशन है और कुछ नहीं है. पॉपुलेशन इन अनदर 20 ईयर्स इज़ 73,482, यानी 20 ईयर्स का नहीं, 40 प्लस 20, 60 ईयर्स का निकाला है इन्होंने. ओके, सो नाउ क्वेश्चन 3, द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ईडीएम 11111 इज ऑफन यूज फॉर डायग्नोसिस एंड इमेजिंग इन न्यूक्लियर मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट. The rate of decay of an iridium isotope is proportional to the mass of isotope present at that time. Its half-life is 2.45 days. What was the initial mass of the isotope before decay if the mass in 2 weeks was 5 gram? ये decay growth वाले problem आपको बहुत सारे मिलेंगे differential equation में, डीके और ग्रोथ वाले. नाउ सॉल्यूशन देखिए, लेट एम बी द मास ऑफ आइसोटोप प्रेजेंट एट टाइम टी. गिवन दैट द रेट ऑफ डीके ऑफ एन आइसोटोप इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ आइसोटोप प्रेजेंट एट दैट टाइम. नाउ ये मास से प्रोपोर्शनल है क्या, डी एम बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू मास एम. नाउ डी एम बाई डी टी क्या आया, इज इक्वल टू दिस माइनस के एम, वेयर के इज कॉन्स्टेंट एंड के इज इक्वल के इज वॉट ग्रेटर देन जीरो, यानी के पॉजिटिव होना चाहिए ना. डी एम बाई एम इज माइनस के डी टी, इंटीग्रेशन कीजिए इसका, तो आपको बोथ साइड इंटीग्रेशन करने के बाद ये नीचे यहाँ पे ऐसे इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग ऑफ मॉड एम और ये आएगा इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी. इक्वेशन वन हो गया आपका. नाउ लेट एम जीरो बी इनिशियल मास, दैट इज़ व्हेन टी इज इक्वल टू ज़ीरो. नाउ मास आया, नाउ जिस तरह से जब टी इज इक्वल टू ज़ीरो यानी इनिशियल टाइम में मास एम ज़ीरो कंसिडर किया है उन्होंने, तो इस हिसाब से हमें मिला सी की वैल्यू. ना इक्वेशन वन में सी की वैल्यू पुट करने के बाद कुछ इस तरह का इक्वेशन आपको मिलेगा, तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन हो जाएगा कंसिडर करके इक्वेशन टू. इसको इक्वेशन टू करके कंसिडर किया है. नाउ गिवन दैट द हाफ लाइफ इज़ 2.45 डेज, दैट इज़ इन टू
4/5 डेज आइसोटोप डिकेज टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल मास. हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि वो डीके होता है कितना, अपने आधे वजन पर. तो आधे वजन पर डीके होने का उसका पीरियड कितना है, तो 2/4/5 यानी 14/5. या नाउ एम इज एम ज़ीरो बाई टू यानी एम ज़ीरो का आधा. देन पुट द वैल्यूज़. तो इस तरह हमने वैल्यूज़ पुट की है एंड देन इक्वेशन टू बिकम्स. ये एक प्रॉपर फिल इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में तो पूरा ही आंसर लिखना पड़ेगा, फिल इन द ब्लैंक टाइप का तो आएगा नहीं. तो इस तरह से आपको सब्सटीट्यूट करना है वैल्यूज एंड देन दिस वॉज योर इक्वेशन 3. नाउ गिवन दैट मास इन 2 weeks वॉज 5 ग्राम. ओके, मास 2 weeks में 5 ग्राम था और 2 weeks यानी 14 दिन, 14 डेज. तो डेज़ के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है, वीक्स नहीं बोला है उन्होंने. तो डेज़ के हिसाब से यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करना है, मास पुट करना है एंड देन लाइक दैट यू पुट एवरीथिंग. ओके, तो इस हिसाब से ऐसा आया. और ओके, सो ये वाला यहाँ पे हमने मास पुट किया है, हमें मास एम ज़ीरो इनका मिला है एंड देन एम ज़ीरो हमें वैल्यू मिलती है 160 ग्राम. यानी इनिशियल मास ऑफ आइसोटोप बिफोर डीके इज़ 160 ग्राम. 160 ग्राम क्या था, ओरिजिनल मास था उसका, उस एलिमेंट का. नाउ देखते हैं एग्जांपल 4. द इक्वेशन ऑफ द कर्व दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2 हैज़ एट एवरी पॉइंट dy/dx इज इक्वल टू -2xy/1+x2. नाउ गिवन दैट एक इक्वेशन दिया हुआ है और इस इक्वेशन को यूज़ करना है हमें. यहाँ पे भी कुछ कुछ फिल इन द ब्लैंक टाइप का ये आंसर्स है पेज नंबर 82 पे. नाउ देखते हैं 83 पेज नंबर पे. नाउ दिस वन 1/y एंड दिस इज 2x/1+x2. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स इंटीग्रेट कीजिए तो हमें कुछ इस तरह का मिलेगा. ओके, तो ये आपका आंसर मिल गया. यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो गया, देन जस्ट शेयर सिंप्लीफिकेशन है, नथिंग एल्स. एंड ये ऑलरेडी कुछ कुछ स्टेप्स उन्होंने ऑलरेडी दिए हुए, सिर्फ यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है. वैल्यूज़ आपको पुट करने, जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो दैट इज़ वेयर वी हैव टू बी केयरफुल. तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करने के बाद लॉग एंड लॉग लेफ्ट साइड राइट साइड कैंसिल होके 1 × 1+x² इज इक्वल टू सी. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ सी, कंसिडर इक्वेशन 1. नाउ गिवन दैट द कर्व पासिस थ्रू 0.12, सो पुट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज 2. ये कोऑर्डिनेट्स हमने पुट किए इक्वेशन 1 में. तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 में हम जब वैल्यूज पुट करेंगे तो सी की वैल्यू मिलेगी हमें 4. तो पुट सी इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में सी की वैल्यू डाल दिए तो इसे मिलेगा ये y × 1+x² = 4, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व. कर्व का ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है. नाउ क्वेश्चन 5, वाटर टैंक इज़ बीन एम्प्टीड इन सच अ वे दैट द रेट एट विच वाटर इज फ्लोइंग इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट लेफ्ट इन दैट इंस्टेंट. इफ हाफ द वाटर फ्लोज आउट इन 7 मिनट्स, इनिशियली द टैंक इज फिल्ड विद 8,000 liters ऑफ वाटर, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट आफ्टर 21 मिनट्स. नाउ लेट द अमाउंट ऑफ वाटर बी x लीटर एट टाइम t. तो उस हिसाब से प्रोपोर्शनल होगा, k इज कॉन्स्टेंट. उसको अगर इंटीग्रेट करेंगे सिंप्लीफाई करके तो हमें मिलेगा log x एंड हियर log ऑफ mod x एंड हियर -kt+c. इक्वेशन 1 कंसिडर कीजिए. नाउ इनिशियली द टैंक इज फिल्ड विद 8,000 liter. तो यहाँ पे x आएगा 8,000 और टाइम तो 0 है तो इसलिए 0 आएगा. नाउ c की वैल्यू हमें मिली log 8,000, पुट इन 1. जब इक्वेशन 1 में हमने पुट की तो इस तरह का कुछ मिला log x और ये राइट हैंड साइड का. नाउ यहाँ पे log log इक्वेट ये कीजिए, एक साइड में ले लीजिए तो यू गेट लाइक दिस x -8,000 एंड हियर -kt. ये इक्वेशन 2 है. नाउ सिंस हाफ वाटर फ्लोज आउट इन 7 मिनट्स यानी टाइम मिला 7 एंड हाफ वाटर मतलब 8,000 का आधा,
4000, यानी ये मिला log 4000 अपॉन 8000 इक्वल टू माइनस के इंटू टी के जगह 7, तो यानी ये माइनस के इज इक्वल टू 1/7 और log हाफ वहाँ पे चला गया। तो पुट इन इक्वेशन टू, तो log x बाय 8000 इस तरह मिलेगा आपको टी अपॉन 7 log हाफ। ना व्हेन टी इज 21 मिनट, तो x कितना है, तो जब 21 मिनट्स है तो देखते हैं वाटर कितना होगा। तो इस तरह टी की जगह 21 पुट करेंगे एंड देन यू गो ऑन सिंप्लीफिकेशन। दिस इस तरह का सिंप्लीफिकेशन करना है तो मिलेगा x बाई 8000 विच इज़ इक्वल टू 1/8। यानी यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड डायरेक्ट कैंसिलेशन भी कर सकते हैं या फिर 8 शिफ्ट कीजिए, 8000 उधर शिफ्ट कीजिए तो आपको मिलेगा x इज 1000, यानी अमाउंट ऑफ वाटर इज 1000 लीटर लेफ्ट आफ्टर 21 मिनट। 21 मिनट के बाद इतना बाकी है। नाउ अगेन डी के वाला प्रॉब्लम आ गया। द रेट ऑफ डी के ऑफ एन आयोडीन 1, 2, 3 आइसोटोप इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ आइसोटोप प्रेजेंट एट दैट टाइम। द इनिशियल मास ऑफ द आइसोटोप वॉज 200 ग्राम। तो डिटरमाइन द मास ऑफ आयोडीन प्रेजेंट आफ्टर 39 डेज। इफ द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ आयोडीन आइसोटोप इज अप्रॉक्सीमेटली 13 आवर्स। नाउ लेट द अमाउंट ऑफ आइसोटोप बी एक्स ग्राम एट टी एट टाइम टी। तो डी एक्स बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एक्स के एक्स, तो के इज वॉट कॉन्स्टेंट, माइनस के लिए हमने। ओके नाउ यहाँ पे अगेन इक्वेट करके इंटीग्रेट निकालना है हमें। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने इंटीग्रेशन निकाला, आपको मिला इस तरह लॉग एक्स लॉग ऑफ दिस मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। और ये हमने कंसिडर किया इसको इक्वेशन वन। ओके ये आया हमारा इक्वेशन वन। नाउ सिंस द इनिशियल मास ऑफ द आइसोटोप वॉज 200 ग्राम, वेयर टी इज ज़ीरो एंड एक्स इज 200, टाइम ज़ीरो है, मास कितना हुआ 200 ग्राम में। तो पुट इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में पुट कीजिए ये सब, तो इस तरह से आपको मिलेगा। एंड देन आपको इस तरह सिंप्लीफाई करके सी की वैल्यू मिली लॉग ऑफ मॉड 200। और इस तरह जब आप इक्वेशन वन में सी की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स बाई 200 इज इक्वल टू माइनस के टी विच इज़ इक्वेशन टू। ना अगेन यहाँ पे आपको मिला। अब नीचे हम देखते हैं जब टी 13 मिनट होगा तो 13 में क्या होगा, तो एक्स आएगा 10 ग्राम, इक्वेशन टू आएगा ये इस तरह से टी 13 होगा तब, तो 13 होगा तो इस तरह से आएगा 13 आवर्स होगा, सॉरी देन लाइक दिस सिंप्लीफिकेशन। एंड देन व्हेन टी इज 39 डेज, 39 डेज है यानी 39 × 24 आवर्स कीजिए कितना होगा, उतना टाइम हमें लेना है। और 39 × 24 ऐसे ही रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम है, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, बाद में हम उसको कैंसिल आउट कर देंगे। एक्स निकालना है हमें तो 39 × 24/13 और यहाँ पे लॉग हाफ है और एक्स बाय 200 लॉग कैंसिल हो गया, यहाँ पे आया 2^72। ये हमने सिंप्लीफाई करके निकाला है, देन एक्स इज इक्वल टू 200 × 2^72 विच इज़ लाइक दिस। तो ये हमें मिला इसे, तो मास ऑफ आइसोटोप आफ्टर 29 डेज इज 25/2^69 इस तरह ग्राम्स, 2^69 ग्राम्स। ओके क्या किया हमने, सिर्फ वो जो लॉग के पहला वाला फ्रैक्शन था उसको सिंप्लीफाई करके पावर में डाला है और कुछ नहीं, इसलिए 2 का पावर इतना बड़ा आया है। ओके तो द रेट ऑफ रिडक्शन ऑफ अ पर्सन्स एसेट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट। इफ एसेट ड्विंडल फ्रॉम 25 लाख टू 6.5 लाख इन 2 ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स विल द पर्सन बी बैंक्रप्ट। अब इंसान कंगाल कब होगा उसका निकालना है। तो एसेट क्या होता है, जिससे आपको पैसा मिलता है वो चीज़। अब एसेट एंड लाइबिलिटी के बारे में एक शॉर्ट से जो मैंने बनाया है आप उसे चेक कर सकते हैं,
कि एसेट क्या होता है और लाइबिलिटी क्या होती है, तो वो तो बात के बाद है, आप देखते हैं प्रैक्टिकल की ओर। तो एसेट बी लाइक दिस, तो एसेट एक्स कंसिडर करने के बाद एज पर गिवन इंफॉर्मेशन हमने प्रोपोर्शनल करके इक्वल किया, के इज़ कॉन्स्टेंट, अगेन द सेम स्टेप यूज़ करके इंटीग्रेटिंग करना है, हमें इंटीग्रेशन निकालना है इसका। यार एक्स रेस टू माइनस हाफ लिया है हमने, डायरेक्टली वैसे ही लिया है एक्स रेस टू माइनस हाफ, उसका इंटीग्रेशन निकाल के यहाँ पे ये हमने सिंप्लीफाई किया है। तो यहाँ पे तो इस तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई किया है इस तरह से, ओके। तो ये हो गया एंड देन यू गेट व्हाट, ये इक्वेशन वन मिला, टू रूट एक्स इज़ इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, ये आया इक्वेशन वन। तो जब इनिशियल टाइम टी है तो एक्स क्या आएगा, 25। तो इसको हम अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा कि 2√25 इज़ इक्वल टू के, टाइम तो ज़ीरो है तो ये तो टर्म चला जाएगा, सी मिला क्या हमें 2√25 यानी 10 मिलता है। पुट इन इक्वेशन वन, तो इक्वेशन वन में पुट करने के बाद 2√x इक्वल टू माइनस के टी प्लस 10, ये इक्वेशन टू। अब टी 2 ईयर्स है, तब कितना बोला है 6.25 लाख, तो इक्वेशन टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक्स की जगह 6.25 और टी की जगह 2, देन सिंप्लीफाइड। तो आपको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ये 6.25 यानी 2.5 पॉइंट आप बाहर ये करिए, सिंपली अच्छे से प्लेस कीजिए, देन हमें कुछ इस तरह की के 5/2 मिलता है। पुट इन इक्वेशन टू, इक्वेशन टू में क्यों पुट करना है, तो हमें एक प्रॉपर इक्वेशन मिलना है इसलिए। एंड देन व्हेन एक्स इज़ ज़ीरो टाइम इज़, हमें टाइम निकालना है लाइक दिस। तो इस तरह से हमने टाइम को निकाला है और टाइम हमें फाइंड करना है, इसलिए ये इक्वेशन जो ऊपर वाले इक्वेशन है उसमें डी की वैल्यू पुट करके सी मिला हमें 4, यानी एसेट और कितना होगा 25 होगा तब इनिशियली, कब इनिशियली होगा, और 6.25 एसेट होगा कब, 2 साल बाद, और पूरा बैंक्रप्ट होगा कब, 4 साल बाद, यानी द पर्सन विल बी बैंक्रप्ट इन नेक्स्ट 2 ईयर्स, यानी कर्जे में डूब जाएगा कब, अगले 2 साल, दैट मीन्स 4 ईयर्स फ्रॉम बिगनिंग, 2 साल के बाद और 2 साल से वो क्या होगा, यानी 4 साल फ्रॉम बिगनिंग वो बैंक्रप्ट हो जाएगा। ये था एसेट के बारे में कि एसेट कैसे उसने कैसे एसेट के बैंक्रप्टसी होगी उसकी। तो इस चैनल को हम सब्सक्राइब कीजिए, और आपको एसेट के बारे में अगर समझना है तो मैं एक शॉर्ट का डिस्क्रिप्शन डाल दूंगी नीचे लिंक में, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।